नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इंडो फार्म 3055 ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये ट्रैक्टर 60 HP का है और दोस्तों इस ट्रैक्टर के बारे में ये भैया फुल डिटेल बताएंगे, सबसे अच्छी जानकारी देंगे दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखें। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भैया जी, सारे किसान भाइयों के लिए और आपके चैनल को देखने वालों के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। भैया इस ट्रैक्टर के बारे में बताइए, ये 3055 का ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर इंडो फार्म 3055 DI। अच्छा जी। 60 HP में आता है। इसके दो मॉडल आते हैं क्या? एक आता है 3055 NB। अच्छा, वो आता है 55 HP 3 सिलेंडर में। अच्छा अच्छा, तो ये 60 HP का ट्रैक्टर जी। इसमें ये ड्राई टाइप है, क्लीनर है जी। इसका फायदा बताइए मुझे। ये इसका फायदा है जो अपने कार में आता है। अच्छा, कारो वाला इसमें मतलब कार वाला दिया हुआ है जी। कभी भी ये फिल्टर चोक होता है तो ये इसका सेंसर लगाया गया है। ये सेंसर आपको मीटर पर शो करेगा। अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम हो रही है जी तो आपको जो डिजिटल मीटर उसमें शो होगा। शो होगा, आप इस फिल्टर को निकाल कर साफ करके दोबारा लगा सकते हैं। अच्छा जी जी, इससे काश्तकार का बहुत ही कम खर्चा और काम ज़्यादा। अच्छा जी। और भैया इसका ये बैटरी बॉक्स अंदर है जी, तो इसका मुझे एक फ़ायदा ये लगा, जैसे बाहर बैटरी बॉक्स होता है, हम अगर फैक्ट्री वगैरह पर जाते हैं या कहीं ट्रैक्टर अपना बाहर खड़ा कर देते हैं, बहुत से किसान भाई की मतलब ज़्यादा कम होती तो बाहर खड़ा करते हैं, तो बाहर बैटरी बॉक्स मैंने बहुत शिकायत सुनी है कि बैटरी चोरी हो गई। बैटरी सबसे ज़्यादा बाहर बैटरी होती है, चोरी होती है। चोरी होती है जी, तो कंपनी ने इस बात को बहुत ध्यान रखा है किसानों के लिए। इसकी बैटरी अंदर है, काफ़ी सेफ ट्रैक्टर बना है, सेफ्टी जी है। तो भैया इस ट्रैक्टर के बारे में ये क्या चीज़ है इसका? ये इसका कूलेंट है। कूलेंट है जी। इसका रेडिएटर है, ये रेडिएटर आता है इसका। पानी भी पड़ता है इसमें जी, तो ये भी बहुत अच्छा सिस्टम लगा मुझे। और ये EGR है ना? यहाँ इसमें EGR लगाया गया। EGR के बारे में मुझे बताइए ढंग से। मैं आपको EGR के बारे में बताऊंगा। जैसे बहुत से समय आपका ट्रैक्टर सफ़ेद धुआं दिखाता है। हाँ, सफ़ेद धुआं मारता है, तो ये ट्रैक्टर कभी भी सफ़ेद धुआं नहीं दिखाएगा। उस डीजल को जो ख़राब जाता है अपना, उसे खींच के EGR के माध्यम से इसे दोबारा पिस्टन पर ले जाके उसे यूज करेगा। अच्छा, जिससे कि ट्रैक्टर का डीजल कम नहीं होगा, कम खर्चा, कम डीजल में ज़्यादा काम, ज़्यादा पावर देगा ये ट्रैक्टर। अच्छा जी। और ये इसका मतलब रेडिएटर का पंखा वगैरह जी। 4 सिलेंडर ट्रैक्टर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है दोस्तों। इसका वेट अदर कंपनी ट्रैक्टर से ज़्यादा है जी। 55 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों। इसके आगे टायर आपको 16 के मिलते हैं और इसका ये फ्रंट एक्सल एडजस्टेबल है जी। इसमें आपको डबल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग मिलता है जी। इसका फायदा क्या होता है डबल एक्टिंग वाला और सिंगल एक्टिंग वाला पावर स्टीयरिंग में फायदा क्या होता है? सिंगल एक्टिंग का जो अपना पावर स्टीयरिंग आता है, तो यहाँ से उन लोगों ने लगाया है ठीक है, तो यहाँ से वो आराम नहीं रुक पाता है, इतना मतलब टिकाऊ नहीं होता है जी। आराम इनसे हिल जाता है, बहुत दिक्कत आती है और उसमें कटिंग करने में भी दिक्कत होती है, थोड़ा टाइट कटता है। अच्छा, ये जो स्टीयरिंग है डबल एक्टिंग, ये कम जगह में और आसान तरीके से घूम जाता है। अच्छा, और इसमें ये क्या चीज़ है? ये पावर स्टीयरिंग का तेल है, पावर स्टीयरिंग का ऑयल है अलग से जी। और इसमें आपको मेटालिक पेंट मिलेगा, मेटालियन पेंट मिलेगा आपको। इसकी काफी ज्यादा मतलब लाइफ होती है जी। और ये वाटर सेपरेटर है जी। और इसका ये बॉस कंपनी का इनलाइन पंप है जी। और भैया ये डीजल से, ये मतलब डीजल फिल्टर है जी जी। ये गेज है ना? हाँ, ये ऑयल का गेज है, ऑयल का गेज है जी। और इसका डिग्गी जो देख सकते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा मजबूत है। और ये 3055 DI लिखा हुआ है। सीमैस का मतलब क्या है मुझे? सैंक्रो मच गियर बॉक्स। अच्छा, जी। इसकी विशेषता क्या होती है भैया जी? इसकी विशेषता यह है जैसे कि इस ट्रैक्टर के गियर बॉक्स में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। अच्छा। और कभी भी अपने गियर चेंज करते हैं तो इसके गियर कभी भी दिक्कत आवाज़ नहीं देंगे। बहुत सी कंपनियों के जो ट्रैक्टर होते हैं आवाज़ देते हैं गियर चेंज करते हुए, पर इसका गियर बॉक्स कभी भी आवाज़ नहीं देगा, इसलिए इसमें सैंक्रो मच गियर बॉक्स लगाया गया है। और ये इसका क्लच है ना जी? डबल क्लच ट्रैक्टर, डबल क्लच है, डबल क्लच आता है। और ये बम्पर की सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है जी, तो काफ़ी मजबूत ट्रैक्टर बनाया कंपनी ने जी। और ये इसका पावर स्टीयरिंग का क्या चीज़ है? हाँ, ये पावर स्टीयरिंग के पाइप हैं इसके, आप देख सकते हैं। ये क्या चीज़ है? पावर स्टीयरिंग यूनिट है। अच्छा, पावर स्टीयरिंग यूनिट बोलते हैं सर। और इसके ओरिजिनल साइड शिफ्ट गियर है, 8+2 गियर है ना जी? जी। तो ट्रैक्टर पर आप चढ़ के दिखाइए मुझे एक बार। ये रिवर्स PTO का स्टिकर लगा हुआ है। हाँ जी, इसमें रिवर्स PTO आती है। अच्छा, रिवर्स PTO जी। और इसके ये डिफर देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे डिफर है इसमें, काफ़ी अदर कंपनी से मजबूत है जी। और किसान के सेफ्टी के साथ साथ दोस्तों ये देख सकते हैं बैठने वाला जो होता है ट्रैक्टर पर बैठे, तो उसका काफ़ी ध्यान किया कंपनी ने, ये मैंने पहली बार देखा है कंपनी जी। जी। और ये छोटा स्टीयरिंग है दोस्तों, पावर स्टीयरिंग है, डिजिटल मीटर है, ये इसकी हैंड रेस है। कितने RPM पे ट्रैक्टर भैया? इसके रेटर RPM 2200 है। सभी इंडो फार्म 2200 पे हैं क्या? जी, ज़्यादा ज़्यादा 2200 ही रेटेड RPM है। अच्छा, 2200 RPM जी। और ये इसका लो हाई हो गया? जी, लो हाई हो गया। और ये क्या ये पहला, दूसरा, तीसरा, अच्छा, चौथा रिवर्स। इसमें स्पेस सही लग रहा है ना? हाँ, स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, आप बैठ के भी देख सकते हैं ट्रैक्टर के ऊपर। बैठ के मैंने देखा है, मैंने ट्रैक्टर चलाया इंडो फार्म,
और मतलब मेरे मिलने वालों के पास भी इंडोफार्म ट्रैक्टर है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ, काफ़ी दूर लगा मुझे। बैठने में भी मज़ा आता है इस ट्रैक्टर को, चलाने में भी मज़ा आता है, आप देख सकते हैं क्लच और ब्रेक देख सकते हैं। दोस्तों इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा मुलायम दब रहा है, और ये इसका फाइबर का टूल देख सकते हैं आप लोग। और ये कंपनी का कुछ है लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन, इसे आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कितने जो कुछ सब कुछ आपके सामने है। ये ट्रैक्टर 60 HP वाला है, और अब आपको हम ट्रैक्टर पीछे से दिखाएंगे। इसमें बैठा 16 और 28 के आते हैं जी, 14 के नहीं आते हैं ना, नहीं 16 के ठहर आते हैं, 55 HP ट्रैक्टर है। इसकी लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है भैया जी? इसकी 2000 kg की है, 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी है जी। और ये इसके टॉप लाइन के लिए दिखा हुआ है, जैसे आपकी की मिट्टी वैसे ही से यूज़ करते हैं जी। ये डबल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया जी। दोस्तों ट्रैक्टर आपको उस साइड से दिखाएंगे, अभी थोड़ा दिक्कत हो पा रही है, अभी आपको दिखाते हैं ट्रैक्टर उस साइड से। यहाँ पे आपको दोस्तों इंडोफार्म के सभी ट्रैक्टर मिलेंगे, जो ट्रैक्टर आते हैं 25 HP से लेकर 65 HP सभी ट्रैक्टर मिलेंगे। भैया इसके बारे में बताइए, इसका पिछला हिस्सा मतलब कैसा है? इसका पिछला हिस्सा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्लिप कम मारता है ट्रैक्टर, भारी भी है लंबा भी है ये ट्रैक्टर, जल्दी उठता भी नहीं है ठीक। और आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, और ट्रैक्टरों को देखते हुए कितनी मजबूत करके बनाई है ये, काफ़ी मुझे इसकी विशेषता लगी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और इसमें कंपनी ने मतलब किसान की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, और ये बहुत ही ऐसा ट्रैक्टर है, सस्ता भी है महंगा भी नहीं है, और इसका डीजल खर्च सबसे कम लगा भैया जी? डीजल का खर्चा बहुत ही कम है, आप ये चीज़ें दोनों देख सकते हैं, एडजस्टेबल हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि कुछ कंपनियों ने एक साइड में एडजस्टेबल वाली लगाई है, एक तरफ नहीं है, हमारी कंपनी ने इस चीज़ किसान को देखते हुए ये दोनों चीज़ें एडजस्टेबल लगाई है। ऐसे आपको ये लगता है कि ऊँची हो गई ठीक, तो इनसे ढीली कर सकते हैं, उसे ऊंचा हो गया तो उधर से ढीला ऊंचा नीचे कर सकते हैं। अच्छा, और ये मतलब ये शो के लिए लगाई है जी? काफ़ी दोस्तों ट्रैक्टर स्टाइल लग रहा है, और दोस्तों ये ट्रैक्टर की दूसरी वीडियो भी आएगी, और इंडोफार्म के यहाँ पर जितने ट्रैक्टर सजे की वीडियो आएगी, और जो यहाँ किसान भाई ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो फिर मतलब कॉल कर सकते हैं हमारे लिए ठीक है, भैया का नंबर है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टिकर लगा हुआ है ऑल लिमस्ट ब्रेक का, और ये इसका ड्राफ्ट लीवर अप डाउन लीवर दोनों दिए हुए हैं हाइड्रोलिक के, इसके बारे में भैया ने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। और इसके काफ़ी अच्छे ऊंचे पैदान लगे मेरे को तो, और इस ट्रैक्टर की हाइट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, 55 HP में और 60 HP में दोस्तों सॉरी, और इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा लगी। और ये इसका सेल्प है, और ये हाइड्रोलिक का, इसके बारे में भैया जी बताएंगे हमारे, इसके बारे में सभी के बारे में बताइए, यहाँ से लेके बताइए। ये भी हाइड्रोलिक फिल्टर आता है ट्रैक्टर का। अच्छा जी, ये भी हाइड्रोलिक फिल्टर आता है। ये क्या चाहिए भैया? ये इसका ऑयल फिल्टर है। अच्छा जी, मोबियल का। ये एंटीनेटर है, ये हाइड्रोलिक फिल्टर है, ये पावर स्टीयरिंग फिल्टर आता अच्छा है। अच्छा जी, तो मतलब जैसे ये दोनों मतलब साथ साथ है, मैंने अदर कंपनियों में देखा मतलब किसी में नहीं होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है उसका? क्या चीज? जैसे किसी में ये मतलब पावर स्टीयरिंग का मतलब हाइड्रोलिक का एक ही होता है, तो उसका और मतलब अलग का फ़ायदा क्या होगा? जैसे कि आपका कभी भी हाइड्रोलिक फिल्टर ख़राब होता है हाँ जी, तो सिर्फ आप अपना हाइड्रोलिक फिल्टर चेंज करा सकते हैं, और जो दोनों एक होते हैं तो उसमें काश्तकार के लिए महंगा भी पड़ता है, दोनों चेंज होते हैं, एक नहीं हो पाता है। अच्छा, और किसी ट्रैक्टर में मतलब वहाँ पर मतलब देखा है पिछले हिस्से में होता है, तो वो क्या होता है? पिछले हिस्से से तेल देते हैं पावर स्टीयरिंग का, हमारी कंपनी ने पावर स्टीयरिंग का तेल अलग किया है और हाइड्रोलिक का तेल अलग है। अच्छा जी, तो इससे मतलब किसान को ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा? इससे किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। अच्छा, इस ट्रैक्टर का मतलब मिनिमम डीजल खर्च कितना है? जैसे 60 HP का ट्रैक्टर है, 60 HP बहुत से ट्रैक्टर आते हैं अदर कंपनी, बहुत सी कंपनी का नाम तो नहीं ले सकते हम जी, लेकिन मतलब किसान अगर ट्रैक्टर खरीदना चाहे इंडोफार्म 30-55 DI, तो मतलब किसान इंडोफार्म 30-55 DI क्यों चुने, मतलब कैसे ट्रैक्टर को ले? कंपनी तो बहुत सी है मार्केट में जी, सभी मतलब अपनी कंपनी की मतलब तारीफ करते हैं, लेकिन मतलब इस ट्रैक्टर में ऐसा क्या है जो मतलब किसान भाई ट्रैक्टर खरीदें? आप इस ट्रैक्टर को चला के, हाँ मतलब पहले तो चला के देखें, डेमो लें, और जो इसकी मैंने विशेषताएं बताई दोस्तों, इसकी विशेषताएं सही है बिल्कुल, और यहाँ पे आप डीलरशिप पे यहाँ पे ट्रैक्टर का डेमो लें, खेत में चला के देखें, इसका आप डीजल खर्च खुद मतलब खुद ही डीजल डालें और खुद ही मतलब नाप के देखें जी, कि इसका मतलब डीजल खर्च कितना आ रहा है। और दोस्तों इंडोफार्म ट्रैक्टर डीजल का ही खर्च भी बिकता है, और इसकी जो और ज़्यादा कीमत भी इसकी नहीं है, कीमत भी मतलब सभी से कम है। और तो दोस्तों मैंने इस ट्रैक्टर के बारे में बताया, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। दोस्तों मैंने इंडिया ट्रैक्टर, इसमें आपको जो विशेषताएं थी सभी मैंने बताई, और इसकी डेमो की वीडियो आएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।